बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप? ओके, ठीक है, खैरियत से हैं। रऊफ अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। वेलकम टू अज़ीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल अज़ीम 27 राव को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ। इस आर्टिकल के मुताबिक आज ओमान के अंदर 178 नए मामले आए हैं कोरोना वायरस के, और अब इन 178 न्यू केसेस की वजह से आप लोग देख सकते हैं ओमान के अंदर 131,264 पर्सन को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर माशाल्लाह से मजीद रिकवरीज भी आई है, आप लोग देख सकते हैं 123,593 पर्सन की जो ओमान के अंदर रिकवरी होगी है। इसके अलावा ये जो टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ, इस आर्टिकल के मुताबिक आज ओमान के अंदर 1% की डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, और ये 1% की डेथ मिला के आप लोग देख सकते हैं ओमान के अंदर 1,509 पर्सन की जो है डेथ हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद है अभी भी ओमान के अंदर थोड़ी बहुत ही सही लेकिन आ रही है। इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हदायत है हर सिटीजन और रेजिडेंट्स के लिए, वो यही है कि मास्क, सोशल डिस्टेंस और गैदरिंग, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वर्क करके रखें ताकि ये जो केसेज हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाएँ। तो ये तमाम अपडेट्स थी इस वक्त की ओमान के कोरोना वायरस के वाले से। मैं बिजी हो जाता हूँ, इंशाल्लाह आज ओमान स्प्रिंग कमेटी का इजलास भी हुआ मस्कत के अंदर, उसके वाले से जो तमाम अपडेट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी देर बाद डिक्लेयर करूँगा। और ये इस वक्त की अपडेट्स थी, इंशाल्लाह जैसे और भी अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।